नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिट एग्ज़ाम 2017 में होने या ना होने के क्या चांसेस हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आज के राजस्थान पत्रिका अजमेर और जयपुर में रिट एग्ज़ाम से संबंधित मुझे जो न्यूज़ मिली है, सबसे पहले आपको वो न्यूज़ आपको दिखाते हैं। इस साल नहीं होगी रिट, धरी रही तैयारी। जो ये न्यूज़ प्रूफ आप देख रहे हैं, आज के राजस्थान पत्रिका अजमेर से, अजमेर के न्यूज़पेपर में से ये न्यूज़ मुझे मिली है। इसमें यही बताया कि रिट का जो एग्ज़ाम है वो इस साल होने की कोई संभावना नहीं है। न्यूज़ में देखते हैं और क्या बताया। तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने का सपना संजोए प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को अगले साल अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट का इंतज़ार करना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष फिलहाल रिट आयोजित करने के कोई आसार नहीं है। यह अलग बात है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिट की तैयारियां कर ली थी और सरकार को दिसंबर में परीक्षा कराने की अनुशंसा भी भेज रखी है। राज्य सरकार ने पिछली बार रिट की अधिसूचना वर्ष 2015 में जारी की थी तथा परीक्षा 7 फरवरी 2016 में हुई थी। 15,000 पद के लिए आयोजित इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी बैठे थे, लेकिन आरटेट 2011 और 2012 की तरह रिट का मामला भी न्यायालय में पहुँच गया। लिहाजा सरकार रिट के लगभग 7,500 पद पर नियुक्ति नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर न्यूज़ से हमें जो अपडेट मिलता है कि इस साल जो रिट का एग्ज़ाम है उसके होने की कोई संभावना नहीं है। और इस न्यूज़ में हमारे शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी ने कहा है रिट के लिए बोर्ड को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे। अभी तो पूर्व में ली गई रिट के मामले ही नहीं सुलझे, द्वितीय लेवल रिट के 7,500 पद पर नियुक्ति होनी बाकी है, उसके बाद ही रिट के लिए समीक्षा की जाएगी। कितने पद रिक्त हैं इस पर मंथन होगा, अंततः मुख्यमंत्री की सहमति पर ही रिट पर विचार होगा। तो कुल मिला के रिट का एग्ज़ाम इस साल होने की कोई भी चांसेस नहीं है। और इसी के साथ जयपुर के न्यूज़पेपर में रिट से संबंधित जो न्यूज़ आती है उसमें भी यही बताया कि इस साल उम्मीद नहीं, करना होगा इंतज़ार, सरकार सुस्त बोर्ड चुस्त। राज्य सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के बावजूद बोर्ड ने रिट की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दौरान कई बार बोर्ड की ओर से रिट के लिए सहमति देने और अधिसूचना जारी करने की अनुशंसा के बावजूद सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। तो इस बीच बोर्ड अंदर सिलेबस लेकर परीक्षा केंद्र पर भी मंथन करता रहा। सरकार की ओर से अब तक सहमति नहीं मिलने की वजह से, तो इस प्रकार से दोनों न्यूज़पेपर में वही बात कही है कि साल एग्ज़ाम होने की कोई भी संभावना नहीं है। और जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ये बुरी खबर है। तो इस प्रकार इस ईयर तो ये एग्ज़ाम होना नहीं, और आगे भी जैसे भी कोई हमें इस प्रकार रिट से संबंधित अपडेट मिलेगा तो वो आपको हमारे चैनल राजस्थान जीके स्टोर के माध्यम से उसका अपडेट आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी प्रकार आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान जीके भर्ती सूचना, राजस्थान जीके ट्रिक से संबंधित मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इस प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उनके अपडेट्स आपके मोबाइल में आपको मिल सकेंगे। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।